Hello student, how are you? I think you all are fine. Now let's start our next sub unit, living and non-living things. Living things means क्या होता है? जो breathe करते हैं, move कर सकते हैं, feed करते हैं, water उनको ज़रूरी होता है, breathe, grow, ये सारी चीज़ करते हैं, वो क्या होते हैं? Living things. And जो ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते, ब्रीथ नहीं कर सकते, उन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं है, ये सारे केस में आते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में. सो लेट्स वी स्टार्ट. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस. दिस थिंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं और इन चीज़ों को हम दो चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे. फर्स्ट ग्रुप इज लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड ग्रुप इज नॉन लिविंग थिंग, राइट? सो वी हैव seen much more things around us, right? जैसे कि हम स्कूल में भी देखा है फैन, डेस्क, टेबल, चेयर, ब्लैक बोर्ड, चॉक. दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स. बट टीचर को देखा है अपनी, राइट? टीचर है, स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, वो इधर उधर चलते हैं, आपसे बातें करते हैं, तो वो सब किस में आएंगे? लिविंग थिंग्स में. और इसके अलावा है जैसे कि प्लांट्स है आपके घर के आसपास, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? लिविंग थिंग्स में. एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब हैं लिविंग थिंग्स में आते हैं. सो देखते हैं हम आगे. सो दिस इज़ द पिक्चर इज गिवन, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग. इन लिविंग थिंग्स देयर इज़ अ पीपल, मशरूम, फ्लावर्स, ड्रैगन फ्लाई, ट्री, फ्रॉग, फिश एंड बर्ड्स एंड मच मोर एनिमल्स आर देयर. नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आएगा? टेडी, बॉल, डॉल, बलून, क्लाउड, स्केटबोर्ड, ये सारी चीज़ें किस में आती है? नॉन लिविंग थिंग्स में, जो कि हम हटाएंगे तो अपनी जगह से हटेगी, नहीं तो नहीं, राइट? सो स्टार्ट. लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर लिविंग थिंग्स. क्या क्या लिविंग थिंग्स में आता है? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, वो सब आते हैं लिविंग थिंग्स में. और लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स इन मैनी वेज. और जो हम इसमें स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं कि कौन सा लिविंग थिंग है और कौन सा नॉन लिविंग थिंग, तो हम उसे डिफरेंट वे दिए होते हैं, उससे हम उसे पता कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी हाउ कैन दे आर डिफरेंट फ्रॉम लिविंग थिंग्स, राइट? सो फर्स्ट वन इज लिविंग थिंग्स ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करती है? ग्रो करती है, छोटे से बड़े होते हैं. द साइज ऑफ लिविंग थिंग्स चेंज एज टाइम गोस. क्या होता है? टाइम के साथ लिविंग थिंग्स की जो साइज है वो चेंज हो जाती है. ह्यूमन में जब छोटा बेबी होता है, उसके बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, वो हमारे जैसे ह्यूमन में चेंज हो जाता है और यंग हो जाता है, राइट? फिर वो यंग होता है, बूढ़ा होता है, इस तरीके से वो टाइम के साथ ग्रो करता जाता है, राइट? एनिमल्स में भी ऐसे होते हैं. पहले छोटा सा, जैसे डॉगी आपने देखा तो छोटा सा पपी होता है, या फिर कैट देखिए किटन होती छोटी सी, फिर वो धीरे 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 बड़े होकर डॉग या फिर कैट बन जाते हैं. किटन होती तो कैट बन जाते हैं और पपी होता है तो वो डॉग बन जाते हैं बड़े होकर. जस्ट लाइक दैट देर इज़ अ प्लांट ऑल्सो. प्लांट में होता है पहले छोटा सा सीड डालते हैं तो हम छोटा सा बेबी प्लांट आता है, ठीक है? फिर बेबी प्लांट के बाद वो प्लांट में चेंज होता है और प्लांट के बाद वो ट्री में चेंज हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से टाइम के साथ जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रो करती है. नेक्स्ट वन इज किस टॉपिक पे आएगा? लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जो लिविंग थिंग्स होती है उन्हें फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. जैसे कि कोई भी एनिमल्स है तो उन्हें भी फूड की ज़रूरत है. ह्यूमन बींग है, बर्ड है, प्लांट है, उन सबको फूड और वाटर की ज़रूरत होती है. प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, इसलिए उसे वाटर देना पड़ता है और उसके थ्रू वो सनलाइट और वाटर से अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेता है. एनिमल्स है वो सारे प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ठीक है? ह्यूमन बींग्स है वो भी प्लांट्स वगैरह, जैसे कि वेजिटेबल हुआ तो वो तो प्लांट ही हुआ ना, हमें प्लांट के पार्ट्स हम खाते हैं, उस तरीके से उसे भी फूड की ज़रूरत होती है. ह्यूमन बींग्स को बर्ड है वो भी अपना फूड लेती है. तो ये सब क्या हुआ? लिविंग थिंग. लिविंग थिंग्स को किसकी ज़रूरत होती है? फूड की. और नॉन लिविंग थिंग जैसे आपका मोबाइल है, उसे आप कुछ खिलाते हो? नहीं ना, उसे उसकी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है, ग्रो करने के लिए. और आपका मोबाइल पता चले छोटा है, उससे बड़ा तो हो नहीं जा रहा वन मंथ के बाद, नहीं ना, तो वो ग्रो भी नहीं करता. कोई भी डेस्क है, बेंच है, कुछ भी ग्रो नहीं करती, राइट? और ना उन्हें वाटर या फूड की ज़रूरत होती है. सो इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं. लिविंग थिंग्स मूव्स. लिविंग थिंग्स जो होती है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है. लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. ओनली ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स कैन मूव.
ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब क्या है, ये सब मूव कर सकते हैं. प्लांट्स कैन नॉट मूव बट स्टिल आर लिविंग थिंग्स. और जो प्लांट है वो मूव नहीं कर सकते बट वो लिविंग थिंग्स है, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं, उनको भी फूड की ज़रूरत है, वो भी ब्रीथ करते हैं, इसलिए वो लिविंग थिंग्स हैं. बस सिर्फ वो मूव नहीं कर सकते वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट. सो दिस इज द पिक्चर इज गिवन हेयर. बहुत सारे जो लोग हैं वो सब अपने अपने ओवन जगह पर मूव कर रहे हैं. जैसे कि लेडी है वो छोटे बेबी के साथ मूव कर रही है गार्डन में, पप्पी है वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा है, उसका जो मालिक है ओनर है उसके साथ, और जो पीछे सब हैं वो सब खेल रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, वो सब लिविंग थिंग्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, राइट. सो लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, मूव करती हैं. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग ब्रीथ. ब्रीथ यानी सांस का लेना. लुक एट द पिक्चर, देयर इज थ्री ऑफ देम आर टेकिंग ब्रीथ. सबके सब ब्रीथ ले रहे, प्लांट्स भी ले रहा है, जो बेबी है वो भी ले रहा है, और किटन भी ले रही है, ठीक है. तीनों लोग प्लांट मीन्स एनिमल्स ह्यूमन प्लांट, तीनों लोग को ब्रीथ की ज़रूरत होती है, इंक्लूडिंग अब इसमें हम बर्ड्स भी लेते हैं, फिश आती है, ये सारा चीज़ फिश वगैरह सब एनिमल्स वगैरह में आ गए, ये सबके सबको ब्रीथ की ज़रूरत होती है, ठीक है. नेक्स्ट इज लिविंग थिंग फील्स. उन्हें फीलिंग होती है, लिविंग थिंग्स को फीलिंग होती है, बट जो नॉन लिविंग थिंग है उन्हें फीलिंग्स नहीं होगी. आपका ब्लैक बोर्ड है, डेस्क है, चेयर है, टीवी है, इन सबको फीलिंग्स नहीं होती है, बट लिविंग थिंग्स को तो फीलिंग्स होती है. सो लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फीलिंग्स लेते हैं. लिविंग थिंग्स में आएगा दे कैन फील, टच मी नॉट. टच मी नॉट एक प्लांट होता है, उसे आप टच करोगे तो वो मुरझा जाता है, राइट. इस साइड में आपको पिक्चर दी है. और जो लिविंग थिंग्स है उनको फीलिंग होती है, कोल्ड जब ठंडी होती है उसकी फीलिंग होती है, इसलिए हम स्वेटर पहनते हैं. गर्मी होती तो हॉट की फीलिंग होती है, इसलिए हमें एसी, कूलर या फिर फैन की ज़रूरत होती है, राइट. तो ये सब हम फील करते हैं इसलिए हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि हम लिविंग थिंग्स में आते हैं. नॉन लिविंग थिंग्स को इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो फील नहीं करते. नेक्स्ट ये है लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग थिंग क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है. लिविंग थिंग्स के बेबीज होते हैं, जैसे कि काउ है उसका बेबी है, ह्यूमन है उसका बेबी है, फिर प्लांट्स है तो प्लांट्स बेबी प्लांट आता है सीड्स की हेल्प से, फिर बर्ड है तो उसके भी बेबीज आते हैं एग, और फिर वो बर्ड के बेबीज बन जाते हैं. तो इस तरीके से वो भी लिविंग थिंग्स में आते हैं. लुक एट द पिक्चर इज गिवन, रिप्रोड्यूसिंग की पिक्चर दी हुई है आपको. ये सारे के सारे रिप्रोड्यूस करते हैं सबके छोटे, मतलब जो भी लिविंग थिंग. अब आपका मोबाइल है, आपका डेस्क है, चेयर है, कुछ भी है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करता, उसके पास दूसरी चेयर नहीं आ जाती अपने आप, वो प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है. सो दिस इज नॉन लिविंग थिंग. नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो, मूव, फील, ब्रीथ एंड रिप्रोड्यूस. क्या करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, जो होती है वो ना ग्रो करती है, ना मूव करती है, ना फील करती है, ना ब्रीथ करती है, और ना रिप्रोड्यूस करती है. दे डू नॉट नीड फूड एंड वाटर. और उन्हें फूड और वाटर की भी ज़रूरत नहीं होती है. लुक एट द पिक्चर, देर इज गिवन डेस्क एंड चेयर. डेस्क और चेयर फील करते हैं, मूव करते हैं, या फिर ब्रीथ करते हैं, या उनको फूड की ज़रूरत होती है, नो, राइट. नेक्स्ट पिक्चर इज गिवन फैन एंड ब्लैक बोर्ड, ग्रीन बोर्ड जो भी हो, वो सब, इन सबको भी ब्रीथ की ज़रूरत नहीं है, मूवमेंट नहीं होती है, राइट. ये प्रोड्यूस नहीं करती, ग्रो नहीं करते हैं, इन्हें फूड वाटर की ज़रूरत नहीं होती है. सो दे आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. देर इज गिवन टू यू सम लिविंग थिंग्स मूव, दे कैन टेक फूड, दे कैन ब्रीथ, दे ग्रो, दे रिप्रोड्यूस. ये पांच चीज़ें होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिविंग थिंग्स. और जो ये पांच चीज़ें नहीं करते उन्हें हम क्या कहते हैं, नॉन लिविंग थिंग. याद रखना, ट्री जो है वो मूवमेंट नहीं करता है, बट वो स्टिल वो क्या है, लिविंग थिंग्स में आता है. जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रीज जो होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, उन्हें भी फूड की ज़रूरत होती है, राइट. वो भी ग्रो करते हैं ये सारी चीज़ें, और वो भी रिप्रोड्यूस करते हैं. ये चार चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक मूवमेंट नहीं होती, इसलिए वो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं आएंगे, वो लिविंग थिंग्स में ही आएंगे.